एक शादीशुदा लड़की अपनी माँ के पास आई और कहा, मैं अपने शोहर को अब एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोज रोज के झगड़ों से मैं तंग आ गई हूँ। मेरा दिल करता है उसे मार दूं, लेकिन कानून से डर लगता है कि मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ ने कहा, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं तुम्हें एक जहर देती हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता काम करता है, रोजाना इसे थोड़ा थोड़ा खाने में देना, बस खाना लजीज बनाना कि उसे शक ना हो। लड़की खुश हो गई। माँ ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर रोजाना झगड़े होते हैं, सारा खानदान जानता है तुम्हारी नहीं बनती, शक फिर भी तुम पर जाएगा, तो जितने अरसे में ये जहर काम करेगा तुम घर का माहौल बदल दो। प्यारो मोहब्बत से रहो, घर में अमन और शांति बनाओ। बेचारा कुछ अरसे का मेहमान है, उस पर शक ना करो, बेजा फरमाइशें ना करो, खुद को बना संवार कर रखो, मीठी जुबान इस्तेमाल करो ताकि ना शोहर को ना उसके खानदान को बाद में शक हो कि उसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। लड़की ने कहा, हाँ कुछ अरसे के लिए मैं ये कर लूंगी। वो जहर की पुड़िया ले गई। महीने बाद वो आई और माँ से कहा, उस जहर का कोई तोड़